Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. It's where truth always exposes darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आपको बहुत हद तक चाहते हैं, कौन आपको डेफिनेटली अपना मानते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, कौन आपको अपना बनाना चाहते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, सो ऑफ कोर्स हम उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके कैरेक्टर, उनके इनिशियल्स सारी चीज़ बताएंगे. सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, अंत तक देखिए. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एट दक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है जो आपकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स आना चाहेंगे एंड इनके साथ आपका कनेक्शन परमानेंट होगा. So let's see, let's find out. First of all, we do have the justice. Second, we do have the balance. Third, we do have the three of wands. We do have the release. बहुत ज़्यादा major arcana यहाँ पे आ रहे हैं. रीन्यूअल और मेजोरिटी मेजर अर्कनास है यहाँ पे. क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेंटिकल्स. सो नाइन नाइन इज इम्पोर्टेंट यहाँ पे. 13 नंबर इज इम्पोर्टेंट, 11 इम्पोर्टेंट है, 14th डेट इम्पोर्टेंट हो सकता है, 11th, 14th आपको 11 देख सकता है. ओके, एज वेल एज 13, 31 देख सकता है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनुराशि यहाँ पे है, तुला राशि यहाँ पे है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. ओके, सो अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, हम दूसरे जगह से भी देखें. यहाँ पे इसके नीचे भी स्टार ही था, एक्वेरियस. सो मोर ऑर लेस मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये डेफिनेटली आपके डेस्टाइंड पार्टनर होंगे. ये इंसान, जैसे मैंने आपको कहा था कि कौन आपके दिल की करीब आना चाहते हैं, सो ये इंसान उस तरह के इंसान हैं जो आपकी दिल की करीब आना चाहते हैं. आपको कभी भी रूठा हुआ, आपको कभी भी दुखी ये नहीं देखना चाहते हैं. ओके, एंड दे आर एक्सट्रीमली, यू कैन से दैट आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आपके नाम सुनते ही जैसे उनकी दिल की धड़कन है और भी तेज़ हो जाती है. एंड आई डू फाइंड कि इंसान अक्सर ही प्यार के जाल में फंसते हैं, लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, ये फाइनली आपके लिए ही समर्पण करेंगे. ऐसे होता है ना, वो गाना था ना, समर्पण की रेखा, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आई डू फाइंड कि अचानक से ही कुछ हो सकता है और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे. और कुछ जब भी बारिश होगा, ठीक है, तो आपको कुछ खत लिखना, मतलब कुछ मैसेजेस, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिटेल्ड मैसेजेस, इस तरह से हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव और गॉसिप बहुत ज़्यादा करते हैं. बात करना स्टार्ट किया तो एंड होने का जैसे नाम ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि रात कैसे गुजर गया. लेकिन इनके साथ हो सकता है कि आप लोग डिस्टेंट में हो और तब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, मे बी ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मिल रहे हो आप और फिर बातचीत शुरू ही हो रहा है, ठीक है. और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस करेंगे, डिफरेंट अटेम्प्ट्स लेंगे आप तक पहुँचने के लिए, काफ़ी कोशिश करेंगे. मैंने आपको बताया था कि आपकी ख्वाब, आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये आपको प्रोत्साहित करेंगे ताकि आप उस राह पे चलें, ठीक है. दे विल बी योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो एट द सेम टाइम, आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, सपोर्टिव पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. केयरिंग, अफेक्शनेट, मदर लाइक एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा ये देखभाल करते हैं अगर फीमेल है तो. लेकिन उनको ना वो बुजुर्ग का बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं, हेल्प भी कर देते हैं कि ठीक है बुजुर्ग इंसान है वो उनको हेल्प कर देना चाहिए, लेकिन इन रिटर्न ना उनको कुछ अच्छा ट्रीटमेंट उन बुजुर्ग से नहीं मिलता. फिर भी ये रुकते नहीं हैं, फिर भी वो उनका हेल्प कर ही देते हैं. सो दिस पीपल आर लाइक, यू नो,
दे आर नेवर सेल्फ सेंटर्ड, वो कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। हो सकता है कि कभी कभार ये अपना आपा खो दे, कभी कभार इनको इरिटेशन भी होता है, बट इट डज नॉट मीन कि ये किसी को भी हेल्प ना करे। ये हेल्प करने से कभी भी, मतलब इनको जितना भी पेमेंट मिलता होगा ठीक है, उससे ज़्यादा ये हेल्प कर देते होंगे, इससे ज़्यादा वो काम कर लेते होंगे कंपनीज के लिए। इवन ये कभी कभार लोगों की हेल्प करने के चक्कर में खुद का केयर करना भी भूल जाते होंगे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, जैसे मॉम हर एक घर के सदस्य को देखभाल करती है, फिर वो भी अपना ही खाना खाती है लास्ट में जाके, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी डिवोर्स्ड थे, सेपरेटेड थे, बट अचानक से आप दोनों में प्यार का जो है ना बारिश गिरा, और अगेन यू विल अपील टू द कोर्ट कि नहीं मुझे सेपरेशन नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। आपके पर्सन भी हो सकता है इस तरह से कुछ कहे। आप दोनों में जो बैलेंस की कमी थी वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं या थर्ड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि दिस रिलेशनशिप ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगा और एडजस्टमेंट होगा भी ठीक है। दोनों कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी से कभी भी जाने ना दें, क्योंकि बहुत इंतज़ार करने के बाद आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए आपको पास्ट जो है ना, जिस तरह से होता है ना कि बहुत सारे फाइल्स जो है कंप्यूटर में रह जाते हैं, और जब तक हम उसको डिलीट ना कर दे तो स्पेस जो है हमारे कंप्यूटर्स में आते नहीं है, वरना हमें हार्ड ड्राइव्स एक्स्ट्रा इंसर्ट करना पड़ता है। सो हम क्यों हार्ड ड्राइव्स को इंसर्ट करें जब हम ओल्ड फाइल को डिलीट कर सकते हैं ठीक है, तो हम ओल्ड फाइल्स को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे उसी तरह आप कुछ ओल्ड रिलेशनशिप को जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था और कुछ नहीं दे रहा था, तो सब लोग शांति ही चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे, चाहे जितना भी पैसा लोगों के पास हो, एट द एंड ऑफ द डे पीपल वांट पीस एंड कंटेंटमेंट इन देयर लाइफ। लोगों को शांति चाहिए ठीक है, सन्नाटा नहीं चाहिए बट शांति तो चाहिए होगा। सो ये जो मतलब शांति, ये तभी मिलेगा आपको अपने जीवन में जब आप रिलीज कर दोगे कुछ, और जब तक आप उसको होल्ड करके रखोगे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे आप। सो इट्स बेटर टू मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, स्पेशली जिनकी शादी नहीं हुआ था बट एक अफेयर या रोमांस टाइप का रिलेशनशिप था, उनके लिए तो मैं बार बार ही बोल रही हूँ। दूसरा है, ये ओवरसीज में काम कर सकते हैं, ओवरसीज को एजेंसीज हो सकता है, एंड दे कैन वर्क इन द नेवी ऑल्सो, दे कैन वर्क इन द वाटर रिलेटेड एरियाज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उनके घर के आसपास कोई रिवर लेक हो सकता है, मे बी सी बीच के सामने रहते हो, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस विलाज हो सकते हैं, बंगलोज हो सकते हैं जहाँ पे ये रहते हैं। इनकी ठाट कुछ अलग ही हो सकता है। आई डू फाइंड कि एक कल्चर से, पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे जैसे होता है ना पंचायत इस तरह का, या ज़िला ज़मींदार लोग जिस तरह से रहते थे, जिस तरह से वेशभूषा आभूषण था उनका, उस तरह का मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। एंड आई डू फाइंड दे विल बी फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ही अच्छे खानदान से आते होंगे, बहुत ही अच्छा खानदान से, जिनके फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं, एंड दे आर रेनाउंड इन द सोसाइटी, समाज में बहुत ज़्यादा लोग जानते पहचानते हैं, इवन रिकॉग्नाइज ऑल्सो ठीक है बाई मेनी पीपल। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि इनके बहुत ज़्यादा मे बी टी गार्डन हो सकते हैं ठीक है, टी गार्डन या टी गार्डन के शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से इनके पास हो सकता है। ओके, दे कैन बी अ वेरी गुड, यू कैन से एम्पैथ हीलर साइकिक, एंड ऐसा है कि अपने मर्जी का मालिक है ठीक है, ये अपने जो भी मन मर्जी हो ये करते हैं, इनको रोक टोक इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, हेजिटेट नहीं करते हैं। अगर इनको कुछ चाहिए होगा सामने से, वो सामने से मांग लेंगे। दे आर नॉट लाइक दैट लाइक नहीं मुझे थोड़ा सा शाइनेस है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के लिए डेफिनेटली स्टैंड लेना जानते हैं, सेल्फिश नहीं बनते, मैंने आपको वही कहा, सेल्फिश नहीं बनते हैं। आजकल के समय में कोई किसी के लिए कुछ बोलता ही नहीं है, सब लोग जैसे चुप रह जाते हैं, क्योंकि सब लोग डरते हैं कि क्या होगा, मेरे ही सपोर्ट में कोई नहीं रहेगा लास्ट में, मैं क्यों ऐसा करूँ,
मेरे जान के ऊपर खतरा है। तो ये कभी भी अपने जान के खतरे के ऊपर नहीं सोचते। मे बी दे आर हाई लेवल ऑफिसर्स हु आर इन द मिलिट्री सेक्टर्स, दैट्स वाई दे डोंट थिंक अबाउट दैट। ठीक है, मतलब अगर ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ जिएंगे पूरा जीवन जिएंगे इस तरह से, ठीक है। और बेईमान लोगों से तो हरगिज कोई नाता इनका नहीं होगा। ओके, लेट मी सी उनके और कैरेक्टर के बारे में हमें पता चलेगा। दे कैन ओन अ हॉर्स ऑल्सो, मुझे लग रहा है कभी ये हॉर्स रेस देखे है, ये गए होंगे या कोई मे बी इनको शौक है इन फ्यूचर एक हॉर्स रखे या कोई स्पीड बाइक या कार्स। गेम इंडस्ट्री से भी हो सकता है, एनिमेशन एंड गेमिंग, कैसिनोज में जाते होंगे या इनको गैम्बलिंग खेलना बहुत शौक है। ओके, अपने लक को आजमाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। लाइक अ बर्ड, मैंने आपको बताया कि इनको कोई भी रोक टोक पसंद नहीं, ठीक है। फ्रीडम इनको चाहिए, आजादी चाहिए इनको, डे एंड नाइट। ओके, दिस इज लाइक अ मैजिशियन कार्ड कि हमेशा ही ये फोकस्ड रहते हैं, अटेंशन इनका हमेशा रहता है, लेजी नहीं है, आलसी नहीं है, हमेशा अलर्ट रहना, अलर्ट मोड पे रहना। जैसे अभी कैट क्या है ना, हमेशा अलर्ट रहते हैं देखना, उस तरह से हो सकता है ये। मॉर्निंग ड्यू गर्ल 13, देखो दो दो बार 13 है। सो अगेन अ डेथ कार्ड, आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ ही समय के लिए हो सकता है कि इमोशनल हो जाते हैं, बट पल भर में ही ना ये क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन नहीं नहीं मुझे ऐसा होने से नहीं होगा, मुझे पूरी तरह से अपने फैमिली को संभालना है, मुझे स्ट्रांग बनना है, इस तरह से वो होंगे। दे कैन बी ऑल्सो वेरी क्यूट हेयर स्टाइल्स, कुछ इस तरह का वेवी हेयर स्टाइल्स हो सकते हैं, चाइल्डिश लुक हो सकता है इनका। वो देखो लिबर्टी, इनको मतलब इट्स अ हाई प्रिस्टेस कार्ड, लाइक मतलब इनको कैद हो के रहना तो किसी को पसंद नहीं, पिंजरे के अंदर रहना, लेकिन इनको और भी पसंद नहीं, ठीक है। ये कुछ भी कर सकते हैं उस पिंजरे से बाहर आने के लिए। सो दे आर वेरी एक्चुअली यू नो वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो एट द सेम टाइम। उनको फेवरेट कलर्स ब्लू हो सकता है, डीप ब्लू, ऑरेंज, रेड। दे लव, अगर फीमेल है तो दे लव लहंगाज एंड गाउन्स, इस तरह के ड्रेसेस, इवन साड़ीज ऑल्सो, इवन दे आर गर्ल्स फ्रॉक्स। अगर ये मैन है ओके, तो एवरेज से टॉलर मुझे दिख रहा है, टॉलर फ्रेम ओके, एंड वेरी शार्प, हैंडसम ओके, एंड वेरी डस्की, यू कैन से दैट डस्की लुक्स इस तरह से मुझे दिखता है हमेशा। ओके, कुछ लोग के लिए आपके पर्सन बहुत मैच्योर होंगे, आपसे ज़्यादा एज में भी होंगे। और लेट मी सी मोर, देखो डे एंड नाइट, डे एंड नाइट ही आपके बारे में सोचेंगे, जैसे मैंने आपको कहा। कहाँ गया वो कार्ड, देयर वाज अ कार्ड कॉल्ड डे एंड नाइट। देखो डे एंड नाइट अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट। मैंने आपको पहले ही कहा था काफ़ी रोमांटिक, एक्सट्रीमली रोमांटिक इन नेचर, हमेशा दिखाएंगे नहीं कि आपके बारे में सोच रहे हैं, बट वो सोचते जाएंगे वो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बिकॉज दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बैलेंस, बैलेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कितना ज़्यादा सिमिलैरिटीज आप खुद ही देखो, ठीक है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रींग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सिर्फ ऐसा नहीं है, लवी डवी कभी कभार कनेक्शंस ऐसे भी होते हैं, चैलेंज करने से, ट्रिगर करने से भी रिलेशनशिप बैलेंस में आ जाते हैं, और जितना अपने आप को आप फोकस करेंगे ना उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आपकी क्योंकि ये आपकी मिरर साइड है, उसलिए मैं बोल रही हूँ मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ठीक है। आप जो भी सपने देख रहे हो, जिसके साथ भी देख रहे हो गाइस, टच वुड, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपको ये तो विश्वास रखना ही पड़ेगा, चाहे टू इन्फ्लेम हो चाहे वो सोलमेट हो। मे बी आपके जिंदगी में दो ऑप्शंस भी आ सकते हैं, देर इज नो गारंटी ऑफ दैट कि आगे जाके आप किसी और के साथ भी मिल सकते हैं, बट जिनको आप चाहते थे
जिनको आप दिल से, आप अपने आँखों को बंद करके सोचना कि आप किन को चाहते हैं, ठीक है? बिकॉज कनेक्शंस कैन बी सेवरल, बहुत सारे कनेक्शंस हैं, उनमें से जो आप दिल से चाहते हैं, जो रूह से कनेक्शन है, दैट इज जेन्युइन। बिकॉज हार्ट इज द गेटवे टू द सोल, राइट? देख लेते हैं इनिशियल्स, शार्प लुक्स हैं, देखो नोज इस तरह से होंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नोज, वेरी यू कैन से दैट चिक्स, आईब्रोज अगर फीमेल का है तो इस तरह से होंगे, एंड इस तरह का कॉलर बोन, या बोल सकते हैं कि नेक इस तरह से हो सकते हैं। आंखें बहुत सुंदर होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कभी कभार बहुत ज़्यादा सैड दिखते होंगे। ओके, सो यू एक्स जीरो ई वाई आई एस डब्ल्यू टी वन ए टी के बी ए एम डी एल जी, अजय हो सकता है, अजय, अजय अमित, ओके, 28 1, ओके ओके, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका से हो सकते हैं, ओके मे बी, एंड ENT, अगेन ENT स्पेशलिस्ट, या उनका ना ईयर नोज थ्रोट में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, कान में पेन हो गया, ब्रोंकाइटिस या कुछ मे बी प्रॉब्लम ड्यू टू टॉन्सिलाइटिस, उस तरह से भी हो सकते हैं, ओके एंड सेन किसी का सरनेम हो सकता है, USA हो सकता है, USA में रहते हो, इंडिया में भी आ रहा है, आई एन इंडिया, ओके MBA, यस MBA और PhD, यस दे कैन बी MBA और PhD, देखो डॉक्टरेट हिस्ट्री लेके पढ़े होंगे, ज्योग्राफी हो सकता है, इनको बाथटब में नहाना बहुत पसंद होगा, बैले डांस में भी इनको आता है, ठीक है, और काइट फेस्टिवल में मिल सकते हैं आप, पता नहीं मुझे ऐसा लगा मैंने आपको कहा, काइट फेस्टिवल में मिल सकते हैं आप, आनिया हो सकता है किसी का नाम, निशा हो सकता है किसी का नाम, ओके डैड हो सकता है आपका, अगर आपकी सेकेंड मैरिज है या आप थर्ड मैरिज में हैं, सो मे बी दिस पर्सन इज़ अ डैड, ओके, सो दिस इज़ ऑल, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस, थैंक यू गाइज एंड लव यू अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।